के जो तंजीमुल मदारिस है हमारा जामिया निजामिया का एक बहुत बड़ा नाम 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 जहां से हमें बाबा जी खादम रिजवी जैसे नसीबे मिले, अब्दुस्तार सईदी साहब जैसे उस्ताद साहब मिले, वहां पर आपने सुबह अपनी क्लास के टाइम पर पहुंचना है। हालांकि इतवार है, बहुतों को छुट्टी है, लेकिन उलमा हो सुबह भी शाम भी दोपहर सुपहर दीन की खिदमत में तुम्हें अपनी तमाम बातों को समेटते हुए बिला तमहीद बिला ताखीर बिला किसी बात के, और आज चूंकि शबे विलादत इमाम अली मकाम भी है तो बड़ा एक खूबसूरत माहौल रहा महफिल का शुरू से अब तक। तो माइक सेट हो चुका है, अब फकत आपने नारों की शक्ल में अपना ज़ौक दिखाना है। तो जो जो ज़ौक दिखाएगा जरा दाएं हाथ उठा ले एक दफा, या अल्लाह ये जो भी तमन्ना लेकर आए हैं पूरी फरमा दे। नारे तकबीर, आपकी आवाज आए, मैं माइक नीचे कर रहा हूँ। नारे तकबीर अभी भी नहीं, और ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हादरी, नारा वासिया। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे निहायत ही अदब व एहतराम के साथ। जनाबे वाला शान मोहतरम उल मकाम उस्ताद उलमा हर दिल अजीज शख्सियत जनाबे इज्जत बाप मोहतरम उल मकाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुकूर अहमद जिया सियालवी साहब जीदा मजदू हमसे खिताब फरमाएंगे। पूरी तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظم محتشم سامعين मेरी गुफ्तगू सिर्फ एक आयत करीमा से मुताल्लिक होगी जो आपने खुतबा में समाअत की, सूरह हुजरात की आयत करीमा ला तजअलु दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा। याद रहे कि दुनिया की सबसे हसीन और सबसे वसी जुबान अरबी जुबान है। ये सबसे हसीन क्यों न हो, इस जबान का ये एजाज़ है कि अल्लाह ने अपने कलाम के लिए अरबी जबान को पसंद फरमाया है और अपने महबूब के लिए भी अरबी जबान को पसंद फरमाया है और अहले जन्नत की जबान भी अरबी ही होगी। सब बोलियां अल्लाह की बनाई हुई हैं, उर्दू पंजाबी फारसी सब बोलियां अल्लाह की बनाई हुई हैं। उसकी कुदरत की निशानी है कि एक ही जैसे बंदे हैं, ज़बान सब की एक जैसी है। ये गोश्त का हिस्सा जो मुंह में है ये सब का एक ही जैसा है, मगर कैसी कुदरत की निशानी है जो एक ही तरह के पानी से मुख्तलिफ फल और अनाज उगाता है, उसी ने एक ही तरह के गोश्त से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और मुख्तलिफ बोलियां रखी हुई है। लेकिन अगर कोई बोली इस काबिल है कि उस पर फख्र किया जा सके तो वो अरबी जबान है।
उर्दू हमारी मजबूरी है, हमें आती उर्दू है, पंजाबी हमारी मादरी जबान है, अंग्रेज़ी कोई मजबूरन सीखता है, कुछ ऐसे उमूर हैं जो अंग्रेज़ी में होते हैं, ठीक है, हर्ज नहीं, लेकिन फ़ख्र नहीं है कि हमारी जबान उर्दू है, फ़ख्र नहीं है कि हमारी जबान पंजाबी है, और इस पर भी फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि मुझे अंग्रेज़ी आती है, ये कोई फ़ख्र की बात है, एक लैंग्वेज है। फ़ख्र की बात हो तो ये हो कि मुझे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अरबी बोलना आती है, क्योंकि हुज़ूर की बोली है, क़ुरान की ज़बान है, अहले जन्नत की ज़बान है। तो मैं नौजवान दोस्तों के लिए बिलखसूस, अंग्रेज़ी पावें इतनी बोलो फर फर, तो क़ुरान सही पढ़ना ना आंदा हुए तो केड़े कम, ये कोई फ़ख्र की गल नहीं। मैं अद्धी उर्दू बोलना, अद्धी पंजाबी, अद्धी बिच अंग्रेज़ी भी होंगी, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान भी पढ़ना आता हो तो ये फ़ख्र की बात है। खैर, थोड़ा सा दूर निकल गई बात, वापस आ जाइए। अरबी ज़बान बहुत वसी है, रब का कुरान अरबी में है। अरबी ज़बान का ये हुस्न है कि उसमें एक ही लफ्ज़ बस ज़बर ज़ेर का फ़र्क हो जाए तो माना बदल जाता है। इसीलिए तो कुरान सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना फ़र्ज है कि ज़रा सा ऊँच नीच हो जाए तो माना बदल जाता है। एक मिसाल लीजिए, नमाज में हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, कई मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, एक रुकन से दूसरी रुकन की तरफ जब भी जाते हैं अल्लाहु अकबर कहते हैं। इसी लफ्ज को थोड़ा सा तब्दील करके अल्लाहु अकबर पढ़े तो नमाज टूट जाती है, इतना माना बदल जाता है। अल्लाहु अकबार पढ़े नमाज टूट जाती है, अल्लाहु अकबर पढ़े नमाज टूट जाती है। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है, अगरचे मेरे मौजू से मुताल्लिक नहीं, कि हमें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना सीखना चाहिए, ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ऐसे ही सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना भी फ़र्ज़ है। कितनी हैरत की बात है कि हम फीस देकर बाकी कोर्सेज तो कर लेते हैं लेकिन मुफ्त में सही कुरान पढ़ना नहीं सीखते। वापस आइए जहाँ से बात शुरू की थी, दुनिया की सबसे वसी और सबसे हसीन ज़ुबान अरबी है। ये जो आयत करीमा आपने पढ़ी, इसको बग़ैर तब्दील किए बिल्कुल इसी तरह पढ़ें तो भी इस आयत के तीन मानी बनते हैं। हुस्न है अरबी का, और हर एक माना हमारी तरबियत करता है। पहला माना आयत करीमा का है, ला तजअलू दुआ الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا। ऐ लोगो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना, आपकी बारगाह में कुछ इल्तिजा करना, इसे ऐसे मत समझो जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। क्या मतलब? पंजाबी में आसान लफ्जों में बात करूं, जदों हुजूर दी बारगाह विच कोई अर्जी पेश करनी होवे, कोई दरखास्त करनी होवे, कोई इल्तिजा करनी होवे, सरकार दी बारगाह विच कुछ कहना होवे, ते इंज मत समझना जिवें बेतकल्लुफ एक दूजे नूं बुला लेंदे हो। उन्हां दी बारगाह विच इल्तिजा करन तो पहले हज़ार बारी सोचना किड्डी वड्डी बारगाह विच इल्तिजा पेश करन लगे, कितनी बड़ी बारगाह में अर्ज करने लगे हैं। जबान संभाल के, अंदाज बा अदब हो, लहजा धीमा हो, और हत्ता के एक मिसाल लीजिए, एक हदीस शरीफ है, साहबा कहते हैं हम बारगाह अकदस में हाजिर थे, एक आदमी आया रज के सोना, तो बड़ा चंगा लिबास, रंग इतना हसीन कि देखने से लगता था कहीं दूर से नहीं आया, ना कोई गर्द गुबार ना कोई आसार, लेकिन हम पहचान भी नहीं पा रहे थे। मदीने का होता तो हमारे सामने उसके शब व रोज़ होते, बंदा को अजनबी ना होता, बाहर से आया है तो सफ़र के आसार होते, बड़े हैरान थे हम।
दूर से खड़े होकर उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह करीब आ सकता हूँ? फरमाया आ जाओ। थोड़ा करीब आया, फिर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह करीब आ सकता हूँ? आ जाओ। फिर और करीब आके फिर अर्ज़ करते हैं, करीब आ सकता हूँ? फरमाया आ जाओ। सैयदना फारूक आज़म इस हदीस के रावी रदी अल्लाह तआला कहते हैं, वो साहिब आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेते थोड़ा करीब आते आते हुज़ूर के सामने आके यूँ बैठ गए। दो जानू इस तरह हाथ रखे जैसे नमाज में बैठते, इस तरह हाथ हुज़ूर के सामने रख के बैठते और अर्ज़ करते हैं, मैंने कुछ बातें पूछनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछिए। मफ़ू में रिवायत ये, उन्होंने सवालात किए, हुज़ूर ने जवाबात दिए और जब वो साहिब चले गए तो हुज़ूर ने फरमाया, जानते हो कौन थे? नहीं या रसूलल्लाह, मालूम नहीं। फरमाया, जिब्रील अमीन थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। जिब्रील अमीन थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। क्या मतलब? वो सवाल जो तुम नहीं कर पाते थे, आज रब ने उन्हें भेजा कि तुम जाके सवाल करो, हुजूर जवाब दें, उम्मत को भी पता चल जाए और सबकी तरबियत हो जाए। कदर वाले जानते हैं, कदर वालों की शान कदर वाले जानते हैं। जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे अर्ज़ करनी है, ये जिब्रील अमीन ने सिखाया है। वहाँ बैठना भी ऐसे है जैसे नमाज में बैठते हैं। इल्तिजा करने के लिए करीब आ जाऊँ, इजाज़त हो तो करीब आ जाऊँ, हाजिर खिदमत होके बड़े बादब तरीके से सलाम अर्ज़ किया और सवालात पेश किए और जवाबात लेकर रुख्सत हो गए और आकर चर्चा शोर वाहवा हाय हु नहीं, खामोशी से आए, खामोशी से चले गए, बता गए, यहाँ जिब्रील अमी भी यूं हाजिर हुआ करते हैं। ये आयत का पहला माना है, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बअदकुम बअदा। रसूल पाक की बारगाह में अर्ज़ करनी हो तो हुजूर को बुलाना ऐसे मत समझो जैसे एक दूसरे को बुलाते, बेतकल्लुफ़ बुलाते, ओए फलाणिया। हत्ता के उलमा ने इसी आयत की तफसीर में लिखा, इस आयत से मालूम होता है रब सिखा रहा है, हुजूर की बारगाह में कभी इल्तिजा करनी हो तो नाम लेकर न बुलाना, या मोहम्मद कह के नहीं पुकारना, नाम लेकर नहीं बुलाना। बुज़ुर्गों ने लिखा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का अदब इहतराम इतना है अर्ज़ करने के लिए, रब मालिक है, अपने बंदों को जैसे चाहे बुलाए। कुरान मजीद में कई अंबियाए ज़ीशान को रब ताला ने उनके नाम के साथ मुखातब फरमाया, कोई भी अदबी नहीं, रब है, मालिक है, जैसे चाहे उसके बंदे हैं बुलाए। लेकिन हमारी तरबियत के लिए पूरे कुरान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने भी नाम लेकर नहीं बुलाया, या मोहम्मद कहकर कुरान में नहीं इरशाद फरमाया। अगरचे वो कहे तो वह मालिक है, वो जैसे चाहे बुलाए। कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं यासीन, कहीं क़ाहा, मुख्तलिफ अल्फाज हैं रब ताला के याद फरमाने के, मुख्तलिफ अंदाज हैं। ये तरबियत है हमारे लिए, हुजूर को ऐसे मत बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते। सैयदी आला हज़रत ने लिखा, तरबियत की बात है, हर मुसलमान को अपने दिन भर में एक वक्त ऐसा मुख्तस करना चाहिए जिसमें वो बाअदब बैठकर यकसुई के साथ इहतराम के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक अर्ज़ किया करें। आपने गौर किया कैसे अर्ज़ किया करें? बाअदब,
जैसे जिब्रील अमी ने सिखाया है, थोड़ा वक्त हो या ज्यादा। और बुजुर्ग फरमाते हैं ऐसे अर्ज करे जैसे हुजूर की बारगाह में हाजिर है। ये आयत करीमा का पहला माना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना ऐसे मत समझो जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। आपने उलमा से सुन रखा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने के लिए सहाबे किराम अलैहिम रिदवान बाज़ औक़ात अर्ज करते राइना, या रसूलल्लाह शफ़क़त फरमाइए, मेहरबानी कीजिए, बात समझ नहीं आई दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। ये लफ्ज़ बड़े एहतराम के साथ कहा करते, मगर कुछ लोगों ने, मुनाफिकों ने इसी लफ्ज़ को बिगाड़ कर बोलना शुरू किया तो रब ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई ला तकूलू राइना। मुसलमानों, सहाबे किराम, अब अपने नबी को राइना कह के नहीं बुलाना, वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना जिससे दूसरे गलत माना लेते हैं। यहाँ पे नातखानी के हवाले से भी एक बात जहन में रही, बहुत से नातखान ऐसे होते हैं जो ऐसे बेहुदा सा कलाम बाज़ औक़ात पढ़ देते, अगरचे वो कलाम हमें बड़ा ज़ौक आ रहा तो वाह वाह कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये तसव्वुर करें कि किसकी बारगाह में पेश कर रहे हैं तो बंदा हैरान हो जाए। वहाँ इल्तिजा ऐसे नहीं पेश होती, वहाँ इल्तिजा कैसे पेश होती है, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। शहनशाह सुखन, उस्ताज ज़मन, आला हज़रत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा बरेलवी, ये है हुजूर की बारगाह में इल्तिजा पेश करने का तरीक़ा। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फ़कीरों में शहर यार हम भी हैं। ये नातखान हज़रात को भी तवज्जो करनी चाहिए, कलाम वो पढ़े जो बुज़ुर्गों ने लिखे। आला हज़रत ने हुज़ूर की बारगाह में पता कैसे इल्तिजा की, करीम अपने करम का सदका, लईम में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ये हुज़ूर की बारगाह अर्ज करने का तरीक़ा। तो आयत का पहला मफहूम ये हुआ कि ईमान वालों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा पेश करना, अर्ज़ करना, पुकारना, दरख्वास्त पेश करना ऐसे मत समझो जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। वहाँ ज़बान भी संभाल के, अंदाज भी बादब हो, लहजा भी धीमा और आजजी वाला हो, और पूरी तवज्जो इस बात पर रहनी चाहिए कि हुज़ूर की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हो। इस आयत का दूसरा माना ये है لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, رسول پاک تمہیں بلائیں تو اسے یوں مت سمجھنا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پہلا معنی یہ تھا تم حضور کی بارگاہ میں عرض کرو تو ایسے مت سمجھنا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب معنی یہ ہے وہ تمہیں بلائیں, कोई हुक्म सादिर फरमाएं, किसी काम के लिए तलब फरमाएं, किसी काम के लिए हुक्म फरमाएं, तो इसे ऐसे मत समझना जैसे एक दूसरे की बात होती है। हम मुझे कोई बुलाए तो मैं देखूंगा, वो मेरा दोस्त हो, छोटा हो मुझसे, अच्छा कर लेते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो मैंने तो कहा छोटा बुलाए तो अच्छा कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो खुदा न खासा ये माहौल बन गया, माज अल्लाह वालिदैन बुलाए तो अच्छा जी आ रहा हूँ, इतनी बेहसी। शरीयत हुक्म देती है नफली नमाज पढ़ रहे हो, वालिदैन को पता नहीं कि तुम नमाज में हो, और वो बुलाते हैं तो नमाज तोड़ के जाओ, वापस आकर दोबारा पढ़ लेना, शरीयत ये सिखाती है। और मैं कहूँ वालिदैन बुलाए तो अच्छा देख लेते हैं, तो मैं मसरूफ़ हूँ थोड़ा आता हूँ, इतने मसरूफ़ हो कि वालिदैन बुलाएं, जब तुम बचपन में रोते थे तो माँ ये नहीं कहती थी मैं मसरूफ़ हूँ अभी आती हूँ,
जब मैं छोटा था और रोता था तो मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि मैं मसरूफ़ हूँ अभी आती हूँ, तो आज मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरी माँ बुलाए और मैं कहूँ अभी मसरूफ़ हूँ अभी आता हूँ। अच्छा छोटा बंदा हो, मुझसे कोई छोटा है तो ज़ाहिर है मैं यही कहूँगा अच्छा अभी आता हूँ, अभी सुन लेता हूँ, गौर करता हूँ, फारिग होके आ जाता हूँ। कुरान क्या सिखा रहा है, जब हुजूर बुलाएं तो फिर ये नहीं समझना कि अच्छा अभी आता हूँ, फिर ये नहीं कहना कि जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, वो बुलाएं तो ऐसे समझना कि जैसे रब का हुक्म आ गया है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना ऐसे है जैसे रब का हुक्म मानना। हदीस शरीफ में है, इमाम बुखारी रिवायत करते, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया, उन्होंने सोचा नमाज जल्दी से मुकम्मल करके हाजिर हो जाते, नमाज मुकम्मल की, हाजिर खिदमत हुए, हुजूर ने फरमाया आपको बुलाया था आए नहीं, या रसूलल्लाह नमाज पढ़ रहा था सोचा जल्दी से मुकम्मल करके हाजिर होता हूँ। हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया आयत नहीं पढ़ी, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم, आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह रसूल का हुक्म आए तो फौरन हाजिर हो जाओ। ये आयत का मतलब है। दूसरा मतलब, अजान में जब मुअज्जिन कहता है हय अला सलाह हय अला फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कभी हमने सोचा ये खुद नहीं बोल रहा, किसी ने बुलवाया है तो बोल रहा है। मौज़िन अपनी तरफ से अजान कह रहा है, मौज़िन ने खुद बनाई है अजान, मौज़िन अपने पास से नहीं कह रहा, हुजूर का हुक्म सुना रहा है, सरकार ने तरबियत फरमाई है, रब के सिखाने से नमाज का वक्त हो जाए तो यूं कहना है। उस वक्त सोचना चाहिए कि जब हुजूर का हुक्म आए तो ऐसे नहीं समझते कि जैसे एक दूसरे को बुला रहे थे। एक सहाबी है सैयदना जरीर रदी अल्लाह ताला, इतने हसीन थे कि जनाब फारूक आजम फरमाते जरीर इस उम्मत के यूसुफ हैं, हुस्न में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक थी, उनके हुस्न की खैरात नसीब थी जनाब जरीर को रदी अल्लाह ताला। एक मरतबा आपने अपने एक खादिम को भेजा, जाओ बाज़ार से घोड़ा ख़रीद कर लाओ। वो बाज़ार में गए, सौदा किया, 300 या 400 दिरहम में सौदा तय पाया। खादिम ने बेचने वाले से कहा मेरे पास पैसे नहीं, आप मेरे साथ चलिए, घर वाले के साथ मुलाकात कीजिए, वो आपको पैसे अदा कर देंगे। घोड़ा भी ले लिया, बेचने वाला भी साथ है, सैयदना जरीर रदी अल्लाह ताला उनके पास पहुँचे, कितने में सौदा हुआ है, 300 या 400 में। आपने घोड़ा देखा अच्छा था, मालिक से फरमाने लगे भाई तुम्हारा घोड़ा 300 का तो नहीं है, तो महंगा घोड़ा है। अच्छा जितना आपका दिल चाहता है दे दें, 500 में दोगे, बेचने वाले को और क्या चाहिए, जी ठीक है 500 में ले लें।